तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को डीपी को कैसे मास्टर करना है उसके बारे में कुछ सिखाने वाला हूँ। ऐसे कुछ ड्रिल्स बताऊँगा जिससे कि आप डीपी पे मास्टर कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो बढ़ते हमारे ड्रिल्स नंबर वन की ओर। तो इस वाले ड्रिल में क्या करना है आपको, आपको जो यहाँ पर आ जाना है, जो 100 मीटर वाला जो टारगेट है वहाँ पर आ जाना है। और आने के बाद आपको यहाँ पर क्राउच करना है, ठीक है। क्राउच करने के बाद ये जो सामने वाला जो है 10 मीटर का जो टारगेट दिखा रहा है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस क्या करनी है, देखो आपको जो है टारगेट के हेड पे आपको अपना एम रखना है और सिर्फ 5 गोली का बस्ट देना है, ठीक है। देखो और आप पूछोगे कि लॉन्ग फायरिंग करने में क्या दिक्कत आ रही है, देखो वो भी दिखाता मैं आपको। देखा इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो शुरुआत की जो गोलियां है वही सिर्फ एनिमी को लग रही है, बाकी तो इधर उधर चली जा रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 गोली का ही सिर्फ बस्ट दो आप इस तरीके से। और अभी आप बोलोगे कि इतनी गोली में थोड़ी बंदा मरेगा, उसका प्रूफ भी मैं आपको आगे दिखाऊँगा, एक क्लिप डाल दूँगा वो देख लेना, ठीक है। और मैं क्राउच करने को क्यों बोला, क्योंकि आप देखो आप अभी खड़े रह के मारोगे ना तो रिकॉइल में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, देखो देखा। और अब आप क्राउच करके मारो, दोनों ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो कैसा हेड पे लग रहा है, वो तो क्या है मैंने अभी नया नया जायरोस्कोप सीखा है तो इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सामने गाड़ियाँ गाड़ियाँ भाई सबके सब। ओ भाई क्या मेरे पीछे से आएंगे, जैसा कि देखा आप लोगों ने कैसे मैं एक एक बंदे को नॉक कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं अगले ड्रिल की। तो इसमें आपको पहले इस जगह पे आ जाना है, आने के बाद आपको जो है सामने टारगेट दिख रहा उस पर आपको ब्रश देना है, देखो इस तरीके से। देखा इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एम की जो स्पीड है, मूवमेंट स्पीड, वो भी बढ़ जाएगी और आपकी जो बस्ट की स्पीड है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। तो अब हम बात करते हैं अगले ड्रिल की। तो अगले ड्रिल में ना आपको यहाँ पे आ जाना है इस वाली जगह पे। आने के बाद आपको जो है ये जो मूवमेंट कर रहा है जो है टारगेट उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखो कैसा। इसमें आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको उतना दूर फायर करने की कोशिश करनी है, जिससे क्या होगा आप जो लॉन्ग रेंज में जो एनिमी रन कर रहे होगे उसको भी आप आसानी से मार सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, देखो अगर एनिमी राइट साइड की तरफ रन कर रहा है तो आपको उसके राइट साइड की तरफ ही फायर करना है, थोड़ा सा आगे लेके फायर करना है, देखो इस तरीके से। देखो वो जा रहा है, देखो मैंने बस्ट किया, देखो वो नॉक किया, देखा जो वो खड़ा हुआ, देखो फिर से मार रहा हूँ मैं, देखा कैसे नॉक हो गया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो फिर से नॉक हो गया, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। आपको इसके दिन में 1 घंटे तो प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप महीने के बाद आपका जो गेम प्ले है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नए ड्रिल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।